ने निर्देश दिया है। दौसा में किसान की जमीन नीलामी के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। अलवर में मामला आया था सामने। इधर इस खबर को भी जरूर जान लीजिए। इधर कर्ज माफी के चक्कर में कई राज्यों के किसान डिफाल्टर हो गए और उनका ऋण माफ नहीं हुआ तो उनको ब्याज सहित 150 करोड़ रुपए का ब्याज और जुर्माना चुकाना पड़ रहा है। इस तरह समझे कर्ज माफी उलझे किसानों पर, जो सरकार ने घोषणाएं की थी कि सरकार 30 नवंबर 2018 तक सभी डिफाल्टर किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। अब जो ये किसान राष्ट्रकृत बैंकों के बचे हुए भाई हैं वो इस कर्ज माफी के चक्कर में अपना लोन नहीं चुका पा रहे और वे डिफाल्टर भी हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सरकार आपको कोरोना काल में कर्ज माफी की राहत दे सके।